जो आप पास्ट में किए हैं वही उसी का रिजल्ट अभी आपका प्रेजेंट में दिख रहा है, और जो आप प्रेजेंट में करोगे उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो अगर आप अपना फ्यूचर को चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट में ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप प्रेजेंट में अगर काम नहीं करोगे तो फ्यूचर कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, चीजों को टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, उसके नेक्स्ट डे करेंगे या फिर उसके नेक्स्ट डे करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे जिससे आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। और इस वीडियो में मोटिवेशन भी मिक्स है, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट होते होते आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको आज अभी इसी वक्त स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। चलिए वीडियो को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लेते हैं आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया और उसके लिए आपके पास 6 मंथ का टाइम दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट ही करेंगे लेट से, वो स्टार्टिंग है अपना 1 मंथ उसको स्टार्ट करने में ही पास कर देंगे कि कल कर लेंगे और फिर कल कर लेंगे। अब देखो कि होता क्या है, मान लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में अपना 1 मंथ टाइम पास कर लिए, अब आपने जा करके स्टार्ट किए और स्टार्ट किए तो 6-7 दिन फिर से आपका काम अच्छे से हुआ और फिर से आप उसको स्टॉप कर दिए और फिर उसको टालने लगे कि कल करेंगे। अब आपने क्या किया, ऐसा ही करते करते आपका कुछ काम फिनिश हुआ और ऐसे ही आपका टाइम जो है वो 5 मंथ तक फिनिश हो गया। अब आपके पास 1 मंथ का टाइम बच गया और अब आपको बिल्डिंग को फिनिश करना ही है एनी हाउ। अब आप क्या करोगे, जैसे तैसे चीजों को फिनिश करना पड़ेगा आपको। अब देखो, अगर आप किसी चीजों को कम टाइम में फिनिश करोगे तो उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं बनेगा, तो वो जो घर है वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं बन पाएगा और हो सकता है वो घर जो है वो कुछ दिनों बाद वो गिर जाए, क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी में उसमें लास्ट में काम कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज क्या सीख रहे हैं कि कोई भी चीज आज से अगर आपको 5 मंथ 6 मंथ या 1 साल बाद जो चाहिए उसके लिए आपको आज से ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपका आउटपुट निकल के आएगा, अदरवाइज वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसी चीज को आपके पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी वैसा काम जो आप करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, जो आपका काम है जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला वर्क है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आप लोग भी सेम चीजें करते हैं, आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, 11th, 12th के हैं या उससे भी आगे हैं, आप लोग करते क्या है कि किसी भी कोर्स को या अपने क्लास के जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने में ही पहले 1-2 मंथ 3 मंथ तक पास कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद भी आप क्या करते हैं कि कुछ ही पोर्शन उसका फिनिश करते हैं, 5-6 दिन 7 दिन अच्छे से किए, उसके बाद फिर से आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करने का शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते आप क्या करते हैं, आपका एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में अब बस मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तब जाकर के आपको ख्याल आता है कि आपने तो अपना पूरा 11 मंथ अप्रोक्स जो है उसको टाइम पास कर चुके हैं, उतने अच्छे से अब नहीं किए हैं, अब आपको उस लास्ट के 1 मंथ में ही सारा चीजें करना पड़ेगा। अब बताओ, अब 1 मंथ में आप उस चीजों को कितना अच्छा कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी चीजें आपको फ्यूचर में चाहिए या फिर जितने दिनों में चाहिए उसके लिए आपको आज से ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप चीजों को समझो, जो आप पास्ट में किए हैं वही उसी का रिजल्ट अभी आपका प्रेजेंट में दिख रहा है, और जो आप प्रेजेंट में करोगे उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो अगर आप अपना फ्यूचर को चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट में ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप प्रेजेंट में अगर काम नहीं करोगे तो फ्यूचर कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो चीजें समझ में आया कि आपको कुछ चीजें चाहिए उसके लिए आज अभी इसी वक्त आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट जो आप चाहते हैं, जो आप आगे रिजल्ट चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप अपना इनपुट चेंज नहीं करोगे तो आउटपुट कैसे चेंज हो सकता है। इसलिए आप आज अभी इसी वक्त से इस वीडियो को एंड होने के बाद ही
प्लान बनाओ कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, एक साल बाद क्या चाहते हैं, पाँच साल बाद क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज से पाँच साल बाद आप 1 लाख पर मंथ अर्न करो, 5 लाख पर मंथ अर्न करो, या 1 करोड़ पर मंथ अर्न करो, या फिर उससे भी ज़्यादा, उसके लिए आज ही आपको काम करना पड़ेगा। अचानक से आप सोचोगे कि हम तुरंत काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेट किया होगा, और आई होप अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या आप जो भी आपका काम हो उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अगर आप मोटिवेशनल वीडियो और चाहते हैं इन फ्यूचर तो कमेंट करके बताइएगा कि एस सर इसी टाइप का और मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।